नमस्कार किसान भाइयों, एन पंजाब शुगर मिल में आपका बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज हम लाल गांव में आपको एक अच्छे प्रगतिशील किसान श्री तनवीर भाई से आपसे मुलाकात कराएंगे। आपके गन्ने की हाइट भी अच्छी है, 12-13 पूरी आपके गन्ने में हो गया है, अच्छी मोटाई गन्ने की आई है। ये आपका खुड़वा है? जी सर, ये खुड़वा है आपका। आप देखिए जो है इसकी हाइट देखिए, और ये गन्ना जो है अंदर और अच्छा है, थोड़ा मेड़ के किनारे का है। और ये जो है आपका आपका मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। आप जो है ये अभी बरसात के बाद आप जो है यूरिया डाल रहे हैं, यूरिया के साथ साथ क्या क्या डाल रहे हैं आप बताइए किसान भाइयों को। सर फास्फेट है, एक बोरी यूरिया है, एक बोरी फास्फेट, आधी DAP डाल रहे हैं, और ग्रोथ प्रोमोटर में सागरिका डाल रहे हैं, और नोवाटेक है ग्रीननेस रखने के लिए, और वो है जिंक है अपनी। नोवाटेक आप डाल रहे हैं जिसका 25 किलो का बोरी 4400 रुपये का है। 4400 रुपये का नोवाटेक आप डाल रहे हैं, देखिए कितने 4400 रुपये इसका दाम है नोवाटेक का। और ये जो है इसमें 21% नाइट्रोजन है, और ये पौधों को जो है अच्छी तरह से उपलब्ध हो जाता है। इसमें तमाम प्रकार के सल्फर भी है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी है। ड्रिप इरिगेशन की ये ड्रिप इरिगेशन में वैसे डालते हैं, लेकिन वैसे ये जो है 3 किलो आप मिलवा रहे हैं, इसमें 3 किलो एकड़ के हिसाब से इसमें डाल रहे हैं। ड्रिप नहीं है तो 3 किलो ऐसे भी आप उपयोग कर सकते हैं इसका। और ये पूरी तरह से अच्छा ग्रोथ प्रमोटर के साथ सारे डोज न्यूट्रिएंट इसमें डाल रहे हैं। आपके गन्ने की हाइट भी अच्छी है। आप अप्रैल में गन्ना लगा करके आप 450 पैदावार ले चुके हैं गेहूँ काटने के बाद। और उसके बाद जो है ये आपका खुड़वा है, वैसे ये गन्ने में 600 तक पैदावार ले चुके हैं जो है। आपका आटम प्लांटिंग में जो गन्ना आप नवंबर दिसंबर में लगाए हैं उसमें 500 से ऊपर आपका पैदावार आता है, 500 से 600 बिना ड्रिप के, विदाउट ड्रिप है इनका, और जो है रेलवा सिंचाई का ही प्रयोग करते हैं। इनका ये मानना है कि गन्ने में पैदावार तब ले सकते हैं आप जब गन्ने की पत्तियों में हरापन बराबर रहे, ग्रीननेस रहे, क्लोरोफिल की मात्रा रहे, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती रहे। क्यों, आपका क्या मानना है, गन्ने में पत्ती हरी होनी चाहिए? जी सर, भोजन ही नहीं बना है गन्ना, मेन तो सर वही है ना, भोजन बनाने के लिए उसको हरा रहने को होना, जब तक वो हरा रहेगा तो भोजन बनाएगा। आप हमारे तनवीर भाई वही हैं जो पहले 200 पैदावार लिया करते थे जी सर, पहले और 200, और आज जो है देख रेख करके अच्छे मिलजुल करके। आप लोगों का गाइडेंस भी है साथ में, ऐसा नहीं है हमारी नहीं देखिए क्या है, हमारा गाइडेंस तो है ही है, लेकिन जब आप कोई काम करेंगे नहीं तो हम समझा के क्या करेंगे। मेन चीज प्रगतिशील किसान का मतलब है जो बात कहा जाए उसको करें। गाइडेंस तो हम लोग समय समय पे देते रहते थे। आज 200 पैदावार लेने के साथ साथ आप 600 पर पहुंच गए। इस साल गन्ना कितने एकड़ में टोटल है आपके पास? 7.5 एकड़। 7.5 एकड़ में गन्ना है, और गन्ने से आपकी किस्म की वैरायटी लगाएं सर अपन ने, हर हमेशा मतलब एक ही वैरायटी पर निर्भर नहीं रहते, अपन चेंज करके भी देखते हैं, हो सकता है दूसरी वैरायटी। बिल्कुल 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 सही बात, आपके पास हर तरह की सारी वैरायटियां 92005 से लेके 8005 तक, 86032 0238 भी आपने अभी रखा है, और इसके पास 8005 भी है, हर तरह की वैरायटी रखते हैं। आपके गन्ने की अच्छी हाइट है, आप बायो फर्टिलाइजर का भी प्रयोग करते हैं? जी सर, डीकम्पोजर इस्तेमाल, डीकम्पोजर वीडियो भी बनाए पहले उसका। हाँ, ये डीकम्पोजर भी प्रयोग किए थे, और इन्होंने डीकम्पोजर खुद बनाया था जी घर पे, और डीकम्पोजर का प्रयोग किया था। ये आपका गन्ना है, ये गन्ना बहुत है अच्छा, और इसकी हाइट भी काफी, डीकम्पोजर डाला हुआ है, डीकम्पोजर भी इसमें डाला हुआ है। देखिए इसमें बीच में जितनी भी पत्तियां वगैरह थी सब सड़ करके खाद हो गई हैं। और हमारे कहने का मतलब ऐसे प्रगतिशील किसान को जो गन्ने के अधिक से अधिक पैदावार लें, और किसान भाइयों को भी ये संदेश जाएगा, ऐसे किसान भाइयों को एन पंजाब शुगर मिल्स की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपका हार्दिक स्वागत। सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।